जय हिंद जय भारत। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का सभी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, जिनको रीमेडिकल मिला था वो रीमेडिकल का भी सभी प्रोसेस जो है अभी कंप्लीट हो गया है। और दो तीन लड़कों ने मेरे को अभी कमेंट्स किया था कि सर जो फिजिकल के लिए लिस्ट लगाया गया था वो कैसे लगाया गया था, मार्क्स वाइज लगाया गया था या पोस्ट वाइज लगाया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। तो दोस्तों अभी उसके बारे में है डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के ऊपर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका लिस्ट लगाया गया था, ठीक है, फिजिकल के लिए, फिजिकल के साथ में आपका जो है ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सभी प्रोसेस जो है एक साथ हो गया है। तो अभी जो दो तीन लड़कों ने मेरे को कमेंट्स किया था कि सर जो लिस्ट लगाया गया था वो कैसे लगाया था, तो दोस्तों वो लिस्ट लगाया गया था आपके मार्क्स के हिसाब से। जैसे आपके मार्क्स है, जिसका जितना मार्क्स है वही जो है मार्क्स के हिसाब से आपका जो है लिस्ट लगाया गया था, ठीक है। मतलब जिसका मार्क्स ज्यादा है उसका नाम जो है ऊपर में है और जिसका मार्क्स कम है उसका नाम जो है नीचे है, ठीक है। तो दो तीन लड़कों ने मेरे को कमेंट्स भी किया था कि सर जो है अभी इसमें जो है मेरे मार्क्स तो ज्यादा है लेकिन मेरा नाम नीचे आ गया। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका जो है मार्क्स ज्यादा है लेकिन क्या है आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से, जैसे आपने उन्होंने लगा दिया कि जैसे सीआरपीएफ क्या करती है कि पहले जो है मार्क्स के हिसाब से लगा देती है और फिर जो है किसी कारणवश जो है पोस्ट के हिसाब से भी उसको ये कर देती है, ठीक है। लेकिन अभी जो है इस फिलहाल में जो है आपका जो लिस्ट लगाया गया है वो मार्क्स के हिसाब से ही लगाया गया है, ठीक है। जिसका जितना मार्क्स है उसी के हिसाब से उसको जो है रैंक दिया गया है, ठीक है। जैसे आपका ज्यादा मार्क्स है तो आपका नाम ऊपर आया है और जिसका मार्क्स कम है उसका नाम नीचे आया है, ठीक है। तो यही दो तीन लड़कों ने मेरे को कमेंट्स किया था कि तो मैंने उनको बता भी दिया था, तो इसलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अगर आपके मन में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि लिस्ट जो लगाई गई है वो कैसे लगाई गई है, तो वो लिस्ट लगाई गई है मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो लिस्ट लगाई गई है वो मार्क्स के हिसाब से ही लगाई गई है, ना कि पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। दोस्तों ये आपका सवाल क्लियर हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।